नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 19 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें सीजन के लिए नए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी गई है? तो नई टाइटल स्पॉन्सरशिप फैंटेसी गेम कंपनी ड्रीम 11 को दी गई है। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ड्रीम 11 को IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार दिए हैं। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में यह स्पॉन्सरशिप हासिल की है। फैंटेसी गेम कंपनी ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रहेगा। चीन से विवाद के बाद बोर्ड ने चाइनीज कंपनी वीवो को IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया था। IPL 2020 संयुक्त अरब अमीरात UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाना है। अगला प्रश्न है, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह को ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। ई बाइक गो ई मोबिलिटी स्टार्टअप ने भारतीय ऑफ स्पिनर क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरभजन सिंह ई बाइक गो कंपनी को अपग्रेड करने के लिए सेवा में रहेंगे और अपनी कंपनी की वेबसाइट और पूरे मीडिया के होने वाले सभी अभियानों में मौजूद रहेंगे। कंपनी ने सरकार की एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ जुड़ाव किया है। नई नीति के अनुसार कंपनी बड़े पैमाने पर बिजली की गतिशीलता का निर्माण करने जा रही है। ई बाइक गो का लक्ष्य 2022 के अंत तक 10% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट शेयर प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? तो 6 राज्यों में। महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया? तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया। जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया। ऐसा पहली बार है कि जब प्रसिद्ध स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो सृजन पोर्टल है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू किया गया है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल का लॉन्च किया गया है और ये रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए एक अवसर के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? तो बेंगलुरु शहर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। भारत के बेंगलुरु शहर में रेबल्स FC क्लब ने येलंका इलाके में एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। इस गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ उनके रहने का पूरा इंतजाम होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित भी की जाएगी। अगला प्रश्न है, गूगल ने कौन से देश में मुफ्त सर्च सेवा बंद करने की चेतावनी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया को गूगल के द्वारा ये चेतावनी दी गई है। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में मुफ्त सर्च सेवा बंद करने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया एक कानून के मसौदे पर काम कर रहा है जिसके तहत गूगल और फेसबुक दोनों को मीडिया कंपनियों से ली गई समाचार सामग्रियों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड
अभिनेता को सम्मानित किया है। तो सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए सम्मानित किया है। अजय भुटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र दिया है। अंतिम प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान शुरू किया गया है। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिस और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।